अब बात करते हैं बड़बोले विधायक राम कदम की। लोग अब खुलेआम राम कदम को मानसिक रुग्ण संबोधने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अब नए विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने कैंसर का उपचार ले रही अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को ही श्रद्धांजलि दे डाली, जिससे लोगों में राम कदम के खिलाफ काफी गुस्सा है। भाजपा के बड़बोले विधायक राम कदम ने दही हंडी के कार्यक्रम में जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में अभी तक सुनाई दे रही है। कहीं राम कदम को पागल करार दिया जा रहा है तो कहीं राम कदम के पुतले फूंके जा रहे हैं। कहीं राम कदम की तस्वीरों को जलाया जा रहा है तो कहीं काली कूटी जा रही है और तस्वीरों को चप्पलों के हार पहनाकर पैरों तले रौंदा जा रहा है। इस मामले में कुछ निडर लड़कियों ने तो राम कदम को खुली चुनौती भी दे दी है कि वो उन्हें भगाना तो दूर, केवल टच करके दिखाए। राम कदम तुम्हारा मी चैलेंज करती है, मला तुम्ही मुंबई मध्ये बोलवा किंवा मी मुंबई मध्ये येते, मला फक्त तुम्ही एक बोट लावून दाखवा, बाकी पुढचं उचलून न्यायची गोष्ट मी नंतर बघते। मैं आखिरी बार राम कदम जी और जितने भी लड़के हैं, मैं लड़के और जो अभिभावक है, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जिसकी भी लड़की को राम कदम जी भगाते हैं वो मुझे बताएं, हमारे महिलाओं को बताएं। हम सारी महिलाएं उसको आके वहीं से जूते चप्पल से मारेंगे जिस लड़की को वो किडनैप करेगा और अपहरण करेगा। मैं आज ये चैलेंज कर रही हूँ और मैं अपने शेखा पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष की तरफ से राम कदम जी का निषेध करती हूँ। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री सुबोध साहू ने भी राम कदम के खिलाफ विवादित बयान दिया कि राम कदम की जुबान काट लाने वाले को वो 5 लाख रुपयों का नगद इनाम देंगे। खैर, ये तो हुआ राम कदम के खिलाफ लोगों का आक्रोश, और इसी आक्रोश के बीच ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे और सार्वजनिक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने राम कदम का पक्ष लेते हुए उनके द्वारा की गई गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सुधर जाए वो भला राम कदम कैसे। राम कदम ने अब एक और कारनामा कर डाला है और नए विवाद को जन्म दिया है। इन महाशय ने कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को मृत करार देते हुए अपने ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दे डाली, मगर ट्वीट करते समय उन्होंने जरा भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी हो तो पहले उस बात को जांच परख लिया जाए कि वाकई वो परलोक सिधारे हैं या नहीं, फिर उस पर यकीन किया जाए। मगर अपनी हरकतों से बाज आएंगे तो वो भला राम कदम कैसे। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, या यूं कहना गलत न होगा कि राम कदम को मानसिक विकलांगता उनसे यह सब बातें करवा रही हैं।